हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका A.Riwal's क्लासेस में। आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि दो तरीके के पेपर रखे हुए हैं। एक है आपका CBSE का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल था म्यूजिक के पेपर के पहले, और ये आपका है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, जो अभी 12th क्लास ने अभी पेपर दिया है। इसमें आप देख पाएंगे इजीली कि कैसे मॉडल टेस्ट पेपर से ही सारा आपका यहाँ पे आपको हेल्प मिली है क्वेश्चन में। इसमें जो आपका 12th का अभी बोर्ड का एग्जाम रहा है, उसमें आपको पूरी तरीके से जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें आपको हेल्प मिली है। आप टैली कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डेफिनेशन से रिलेटेड। डेफिनेशन में है जैसे आपका अलंकार, मीट, गमक, मूर्छना, आला, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी। इसमें देखिए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सेम वही आपका, सिर्फ इसमें एक वर्ण का ऐड कर दिया गया है। आपका अलंकार कर्ण आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एज इट इज वैसे ही दिया गया है। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अलंकार, अलंकार की इसमें डेफिनेशन पूछी गई है, लेकिन अगर अच्छा रहेगा कि हम उसके डेफिनेशंस के साथ साथ, जैसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है, अलंकार कैसे बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से सारा आप डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस भी देना बहुत जरूरी है और आपको देनी चाहिए। अब मैं आती हूँ वर्ण पे, वर्ण किसे कहते हैं, क्या है, कैसे नहीं है। तो वर्ण जो चाल मिलती है उसको वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण में आपके चार भाग आ जाते हैं, पार्ट आ जाते हैं, जैसे संचारी वर्ण है, स्थाई वर्ण है, आरोही वर्ण है, अवरोही वर्ण है, तो ये भी आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। और आपका कर्ण स्वर, कर्ण स्वर जैसे नी पे सा का कर्ण लगाना, सा पे नी का कर्ण लगाना, उसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल्स भी देते हो इट्स गुड। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपका 12th का, इसमें भी आपको राग वर्गीकरण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालने के लिए बोला है। आवश्यकता मीन्स मध्य काल में, प्राचीन काल में, और आपके ये मध्य काल में, प्राचीन काल में और आधुनिक काल में, इसका आपको पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन देना है। सॉरी, आप दे चुके हैं शायद से, और इसी पे आपको प्रकाश डालना था। इस पे पूरा वर्गीकरण कैसे है, वर्गीकरण मतलब टुकड़ों में इसको डिवाइड करना, किस किस टुकड़ों में, कौन कौन से समय के अनुसार, जाति वर्गीकरण के आधार पे, ये सारा आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। एंड फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं जरूरी बता देती हूँ, हम कई चीजें इग्नोर कर देते हैं, CBSE की वेबसाइट पर नहीं जाते हैं, और वहां पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं, और एग्जैक्ट वही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हमने मॉडल टेस्ट पेपर में देखा है कि वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज किया गया है, लेकिन आप देखो तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और हम इग्नोर कर देते हैं। हमें जरूर CBSE के साइट पर जाकर देखना चाहिए कौन से पेपर का, कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर, हमें उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इसमें सारा देख सकते हैं, जैसे हमारा ये संगीत रत्नाकर है, संगीत रत्नाकर एग्जैक्ट इसमें दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आपका ये है 7th क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये इसको इग्नोर करें, यहां तक कि क्यों इग्नोर करें, इसके पीछे रीजन है कि या तो आप इसमें श्योर हैं, श्योर मीन्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, नहीं तो आप, मैं आपको जैसा बताना चाहूंगी, आपको क्वेश्चन मेनली क्या अटेम्प्ट करने चाहिए। थ्योरी में अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 30 के 30 आप स्कोर करो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन वाला। फिर सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, राग वर्गीकरण या आपका समय सिद्धांत, कई बार ऑप्शनल आता है और कई बार आपको ऐसे ही दिया जाता है, तो वर्गीकरण को भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जहां से आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो फर्स्ट आप डेफिनेटली डेफिनेशन वाला करेंगे, सेकंड आप वर्गीकरण या फिर समय सिद्धांत, कई बार ऑप्शन में आता है, कई बार दोनों आ जाते हैं तो इट्स बेटर। तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है रत्नाकरण परिजात, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है, कई बार ऑप्शन में नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल आ जाता है, तो आपको इन दोनों को तैयार रखना चाहिए, और इसमें से जो भी आपको कंफर्ट हो या जैसे भी ऑप्शन में आता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपके यहां सीधे सीधे आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ में आपको सजेस्ट करूंगी
जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में इधर जीवनी दी गई है, तो जीवनी आप करें अच्छे से, लेकिन जीवनी में एक ध्यान रखें कि हम सीधा पैराग्राफ में ना करते हुए या ना लिखते हुए जीवनी को, हम उसको हेडिंग्स वाइज, जैसे कब उनकी शिक्षा हुई, कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनका, तो इस तरीके से उसको हेडिंग्स वाइज में डिफाइन करें। अगर आपने इस तरीके से इसको लिखा है जीवनी को, या जैसे भी मैंने बताया आपको प्रेजेंटेशन मस्ट रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर जैसे ताल वाला फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमें ताल का करना चाहिए। ताल में हमें कोई डाउट नहीं होता, कोई श्योरिटी से हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। दुगुन आपको पता है कि कितना इजी होता है, सिर्फ हमें दो बोल्स को कंबाइन करके लिखना होता है। एज इट इज हमारी वही तालिका जैसे है, झपताल की बात करें जैसे धी धीना, रूपक ताल ती तीना, तो इस तरीके से जो भी उसमें आपके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, मात्राएं डिवाइड की गई हैं, उस तरीके से आप लिखें। और दुगुन आपको पता है कि दो, जैसे ती तीना ती ती को अगर आप इकट्ठा लिखते हो तो वो फर्स्ट मात्रा में आ जाता है, तो इस तरीके से आप दुगुन में इकट्ठा करके लिखें। और बहुत ईजी है ये, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, अदरवाइज तो आप अगर करते हो तो बेटर है, नहीं तो इनमें से आपको कभी आपके मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांस नहीं। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग अच्छा स्कोर करें, और श्योर आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूंगी एंड में कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड माई चैनल इज ए डॉट रिवाल्स क्लासेस, एंड थैंक यू।